हेलो एवरीवन, आज आपको आरोह गद्य खंड का काले मेघा पानी के चैप्टर पढ़ाया जाएगा। उसकी छोटी सी समरी और पढ़ाई जाएगी आपको और लेखक के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। तो जिसमें से मेन चीज होती है जो लेखक के परिचय में, लेखक का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसकी मृत्यु और प्रमुख जो रचनाएं होती है उनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर है हमारा सबसे पहले धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी के लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती। तो पहले धर्मवीर भारती का जन्म जो है कब हुआ था? 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये बनता है कि काले मेघा पानी के लेखक कौन थे? तो धर्मवीर भारती होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1926 इलाहाबाद में हुआ था। उनकी फिर प्रमुख रचनाएं, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं केवल यहाँ पर आपको उसी के बारे में बताया जा रहा है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। और इन्होंने किस भाषा में लिखा था? सहज तथा बातचीत की शैली थी, शैली जो उनकी बातचीत की थी और भाषा उनकी सहज थी और बोलचाल की भाषा थी। इनका निधन सन 1997 ईस्वी में हो गया था। तो ये चीज हमें एग्जाम में इसमें से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को इसीलिए कहा जाता है बार बार कि आपको वीडियो पूरी अंत तक देखनी। जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या बहुत ही करके क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे तो आपको इसमें से वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो भी आपको बता दी जाती है। अब हम चलते हैं पाठ के साथ के। तो पाठ का साथ देखिए, चैप्टर पता चल रहा है कौन सा है? काले मेघा पानी में, मतलब बादलों से पानी की मांग हो रही है। क्यों मांग हो रही है? कि गर्मी का मौसम होगा इसीलिए मांगा जा रहा है पानी। और जो है किस उस पर आधारित है? ये जो पुराने विश्वास है, लोग प्रचलित विश्वास होते हैं उन पर आधारित पूरा चैप्टर है। और जो लेखक है संस्मरण के आधार पर है, संस्मरण शैली में लिखा हुआ है। तो जो पूरा चैप्टर है, लेखक जो है आर्य समाजिक था, तो जो है उसके आधार पर उसे ये विश्वास समझ में नहीं आते थे, क्योंकि आज तो विज्ञान का युग है तो उसके अनुसार ये चीजें गलत थी। तो पूरा चैप्टर शुरू कर पाठ हमारा शुरू होता है देखिए, काले मेघा पानी देख तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित निबंध। मतलब लेखक अपना तर्क देता है और विश्वास कि मतलब जो है लोगों का विश्वास है उसके प्रति, उस पर आधारित पूरा पाठ है। इसमें धर्मवीर भारती ने लोक प्रचलित विश्वास का चित्रण किया है, मतलब जो लोगों का विश्वास है उसके बारे में पूर्ण बताया है कि गांव में वर्षा के अभाव में खेत सूखे पड़े हैं, डेरिया में कि वर्षा के अभाव में वर्षा नहीं हो रही थी इसलिए पूरे खेत सूखे थे, मनुष्य पशु को बुरा हाल था, जब गर्मी थी और बारिश भी नहीं हो रही थी तो गर्मियों में जो है बिना पानी के मनुष्य इंसान और जानवर दोनों का बहुत बुरा हाल था। ऐसे में गांव के 10 से 18 साल के बच्चे बादलों से पानी की मांग के लिए घरों से निकल पड़ते हैं। ऐसे में जब पानी की कमी है, दिक्कत है और सभी लोग पानी के अभाव में जी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करके रखते हैं कि दो दो दिन के लिए थोड़ा थोड़ा पानी, तो ऐसे में जो है वहां पर 10 से 18 साल के बच्चे, लेखक भी इस समय उन्हीं की उम्र का था, तो जो है वो पानी की मांग के लिए बाहर निकलते हैं। वे स्वयं को इंद्रसेना तथा कुछ लोग मंडली कहते हैं। जो बच्चे थे वो अपने आप को इंद्र की सेना कहते थे। वो ऐसे ही अपना नंग धड़ंग अवस्था में, मतलब किसी ने नेकर बनियान पहन रखा है और कोई जो है खाली नेकर पहन के ही वहां पर गलियों में निकल जाता है। और सबसे तो गंगा भैया की जय होते देखे बच्चे, गंगा भैया की जय सारा लगा पर आकाश में काले बादलों से वर्षा की याचना करते हैं। वो गलियों में जाते हैं और जो है गंगा भैया की जय की जब आवाज न करते तो लोग बाग घरों से खिड़कियों से अपना जो पानी बचा बचा कर रखते हैं पीने के लिए, संग इकट्ठा करके रखे होते हैं, उसमें से थोड़ा सा पानी उनके ऊपर डालते हैं। तो फिर वो उसपे जब कीचड़ सा हो जाता है, वहां पे पानी इकट्ठा होता है तो वहां पे थोड़ा सा गीली मिट्टी हो जाती है, तो फिर उस पर लेटते हैं, फिर जयकारा मचा जाते हैं। ऐसे एक गली से दूसरी गली में पूरे गांव में अंदर वो घूमते रहते हैं और लोग जो है अंधविश्वास के कारण उनके ऊपर पानी डालते हैं और लेखक इसका विरोध करते हैं। गर्मी की ऋतु और पानी की कमी होने पर लोग अपने घर के आगे आने पर इंद्र सेना पर बाढ़ निकालते थे। लेखक आर्य सामाजिक विचारधारा से जुड़े होने के कारण इसे अंधविश्वास मानता है। देखिए हमें देखिए गर्मी का मौसम था और पानी की भी कमी थी, फिर भी जो लोग हैं अपने घरों में जो इकट्ठा करा हुआ पानी था वो भी उस सेना पर डालते थे। लोग इन्हें मेढक मंडली भी कहते थे, कुछ लोग इन्हें मेढक मंडली भी कहते थे और लेकिन वो अपने आप को इंद्र का दूत, इंद्र सेना कहते थे। लेखक आर्य सामाजिक विचारधारा
विचारों में तो जो है वेद जो है आर्य समाजी लोग होते हैं वो लोग अंधविश्वास ऐसी चीजों को मानते हैं, वो केवल हवन आदि में विश्वास करते हैं। जुड़े होने के कारण अंधविश्वास मानते थे। लेखक की जीजी उसे अपने बेटे से अधिक प्यार करती थी। उसमें दिया है कि लेखक की एक जीजी थी जो उसे अपने लड़के से अधिक प्यार करती थी, ऐसी मान्यताओं के प्रति समर्पित थी। लेखक के लिए यही मुश्किल थी। ये क्वेश्चन बनता है कि लेखक के लिए क्या मुश्किल थी कि उसकी जो जीजी थी वो पुराने रीति रिवाजों के प्रति समर्पित थी और सभी काम जो है वो लेखक से ही कराती थी, अपने बेटे से अधिक मानती थी। तो जो भी घर में पूजा पाठ जो भी काम होते थे वो सभी काम वो लेखक से कराती थी, क्यों देखिए कि उसकी जीजी सारे रीति रिवाज पूजा पाठ उसी से कराती थी। बताती आपको उसी से कराती थी। लेखक ने जब इंद्र सेना पर पानी नहीं फेंका तो जीजी ने उसे समझाया कि ये पानी की बर्बादी नहीं, ये एक तरह का दान है। तो जो है जब लेखक ने जब वो इंद्र सेना आई तो लेखक से उसने कहा कि जो है इसके ऊपर ये पानी डाल दो, तो उसने नहीं डाला। तो फिर उसने उसे समझाते हुए कहा ये जो है पानी की बर्बादी नहीं है, ये एक तरीके का दान है। देखिए फिर क्या कहा उसने, लेखक की जीजी ने उसे समझाते हुए कहा कि लाखों करोड़ों में से दो चार दे देना त्याग नहीं है, बल्कि अपने पास कम होते हुए उसमें से देना दूसरों को कल्याण के लिए दान देना भी त्याग है, ऐसा दान ही फल है। तो लेखक की जीजी ने लेखक को समझा, जब हमें बहुत सारा धन होता है, अभी देखिए किसी के पास करोड़ों रुपया है, अगर उसमें से कोई दो चार हजार या एक लाख एक दो लाख किसी को दे देगा और दो चार हजार दे देगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा उसे। कहते हैं ना समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दो तो उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा है, किसी के पास कमाई ही बहुत थोड़ी है और उसमें से किसी को कुछ देता है तो वो दान फलता है। तो उन्होंने कहा जब अपनी कमी में होने पर हम किसी को कुछ देते हैं तो वही दान सार्थक है, वही दान कहलाता है और वही दान लगता भी है, फलता फूलता भी है। तो उन्होंने एक उदाहरण ये दिया कि जैसे कि किसान है, किसान फसल होता है और फसल बोने के लिए जब अनाज कटता है गेहूं इकट्ठा होता है तो कुछ गेहूं के दाने या कुछ अनाज को दोबारा बोने के लिए एक जगह अलग रख देता है, फिर उसे बोता है तभी तो फिर और फसल मिलती है। तो ये भी तो इसी तरीके से है कि जब हम पानी इन्हें देंगे मतलब इंद्र भगवान को पानी देंगे तभी तो वो भाप बनकर, पानी हमने डाला तो भाप बनकर ऊपर उड़ा तो फिर वापस वर्षा होकर वो पानी आएगा। तो इसीलिए जो है उसे दान हमें गांधी जी की तरह प्रजा के अनुरूप राजा को बदलने की सोच रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे जो है प्रजा के अनुरूप ही हमें राजा को बदलना चाहिए, ना कि राजा के अनुरूप प्रजा को बदलना चाहिए। 50 साल बीतने पर भी लेखक को जीजी की बातें याद है कि मतलब इस बात को 50 साल हो गए हैं, इसलिए संस्मरण उसने लिखा हुआ है शैली में कि संस्मरण है ये चैप्टर, क्या है संस्मरण है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 50 साल बीतने पर मतलब यादों के पर आधारित है, बीतने पर भी लेखक को जीने की सारी बातें याद है। आज भले ही विज्ञान का कितना बोलबाला है कि मतलब आजकल आधुनिक काल है, आधुनिक समय चल रहा है, तो विज्ञान का बहुत अधिक बोला है हर जगह विज्ञान से कि चीजें ही है, तब भी लोग प्रचलित विश्वासों का भारतीय संस्कृति में अहम स्थान है कि विज्ञान का चाहे कितना ही बोलबाला हो लेकिन आज भी लोक मान्यताओं पर लोगों का विश्वास अटा हुआ है, मतलब लोग विश्वास पर चलते हैं। यही भारतीय संस्कृति का हमारा अहम हिस्सा है। जो चीज हम पुराने समय में करते थे कुछ चीजें ऐसी